से यहाँ तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा, और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं, और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है, और किस तरह से सब तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियाँ एकजुट हो जाएं, और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए, और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत हैं। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं पूरे तौर पर। देखिए, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं, और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं, और सब लोग मिल करके हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे।